का जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीने दयाल जय जय श्री राधे। आज हम लोग कोरोना नाम की महामारी द्वारा जो पूरे देश में व्याप्त है, इससे हम लोग अपने अपने घरों में ही लॉक हैं, कहीं आना जाना संभव नहीं है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि घरों में ही रहें, कहीं जाएं नहीं जब तक इसकी कोई पूर्ण सरकार द्वारा कोई खबर ना मिले, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए हम आप सबसे अपने इस छोटे वीडियो द्वारा एक आग्रह करते हैं कि घरों में रह कर के ही भगवान को समर्पित रहें, कोई नियम पाठ पूजा जप करें। पिछले भी वीडियो द्वारा हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आग्रह किया था, लोगों ने उसका पालन किया है, उनको उसका लाभ भी मिला है। और हम फिर से आप सबसे आग्रह करते हैं कि घर में रह के नियम पाठ पूजा जप करें, अवश्य ही उसका फल मिलेगा, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो भी हो भगवान के लिए समर्पित रहें। और जो भी नियम पाठ करेंगे भगवान अवश्य उसका लाभ आपको देंगे। कल महान पर्व अक्षय तृतीया का उपस्थित हो रहा है, 14 मई सन 2021 शुक्रवार से अक्षय तृतीया का महान पर्व उपस्थित हो रहा है। ये महान पर्व है, भगवान बांके बिहारी के दर्शन भी इसी दिन, चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। साल में एक दिन भगवान के चरण के दर्शन इसी दिन होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट के दर्शन भी कल से कपाट खुलेंगे, उनके भगवान के दर्शन कल से ही उनके होंगे। बद्री साल में 6 महीने के लिए बंद हो जाने के बाद कल से ही भगवान के दर्शन खुलते हैं। सतयुग त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से कही जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व महान पर्व है। इस दिन नियम पाठ पूजा जप तप जो भी किया जाए उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पद पुराण वगैरह ग्रंथों में उसका विशेष महत्व लिखा है। हम आपसे इसीलिए आज इसी विशेष पर्व के विषय में बात जानकारी थोड़ी बहुत जो भी है हम आपको शेयर करेंगे। भगवान को कल नए नए फल पुष्प और घर में ही बना हुआ नैवेद्य भोग लगा सकते हैं, भगवान को पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। वस्त्र हैं भगवान के तो उनको धारण कराइए, नहीं तो विशेषता यही है कि चंदन से, गंध से, पुष्प से और अपने घर में बने हुए नैवेद्य से जो भी हो भगवान का सुंदर सोडा उपचारों द्वारा सेवा करिए, कथा करिए, माँ विष्णु सहस नाम का पाठ करिए, गोपाल सहस नाम करिए, तुलसी जी द्वारा अर्चन करिए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर मंडप बनवाइए, बंदर बांध सजाइए। कल विशेष महत्व है, भगवान को दिन भर जो भी यज्ञ जप तप किया जाता है उसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी गौशाला में जाकर दान करें इस वक्त संभव नहीं है, अपने घरों द्वारा जो सुविधा सब प्राप्त हो वो अपने उनको आप प्रदान कर सकते हैं। गौशाला में, संत आश्रम में, जहाँ जहाँ जो तीर्थ हैं वहाँ पे गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कल गंगा जी को भी दर्शन करने का महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं अपने अपने घरों में रह करके नियम पाठ पूजा जप जो भी है, कल से ही कोई शुभ जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें विचार नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर में पुत्र पुत्री के कोई कार्यक्रम के लिए या नए कार्य शुरुआत के लिए कोई भी किया जाएगा उसके लिए कोई विचार नहीं ऐसे कर सकते हैं, शुभ दिन है। इसलिए आप भगवान को प्रार्थना करते हुए करें। और जो भी है दान का विशेष महत्व है, कुछ भी दान का, अन्नदान, जल दान बहुत महत्व रखता है, घड़ा दान, पंखा दान, फल ऋतु जो अपने फल हैं जो इस वक्त सीजन, वो दान, गौशाला में जा गौशाला गौ माताओं के लिए दान, इस वक्त गौशालाओं में भूसे की जो व्यवस्थाएं हैं वो सस्ता होने के वजह से वो उपलब्ध कराया जा सकता है, उनको आप दे सकते हैं। हमारे ही कुछ क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं कानपुर में, वहाँ पे भी इसकी सुविधाएँ हैं गौशालाओं में। एक शिवली क्षेत्र में गौशाला है हमारी, राघव गोवर्धन गौशाला तो सिद्धि क्षेत्र में है। श्री राघव दास जी जो बहुत ही बचपन से उन्होंने गौ माताओं को अपने को समर्पित कर रखा है, इसलिए आप उनको संपर्क कर सकते हैं, उनको भी अपने सेवा शुल्क दे सकते हैं। हम अपने इस लिंक में, वीडियो में अपना गौशाला का जो एड्रेस है उसको हम भेजेंगे, आप उनको भेजिए। अभी नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड उनको प्राप्त हुआ है भारत का बाहर, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो गौ माता को समर्पित कर रखा है इसलिए ये रिकॉर्ड उनको मिला है, बहुत ही बधाई, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। हम आप सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि
कोई भी गौशाला में जहाँ पे भी गौ माताओं के लिए इस वक्त विशेष है, क्योंकि भूसा वगैरह सस्ता होने के लिए इस वक्त उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको भी भिजवा सकते हैं। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं अपने घरों में रह करके, अपने स्थान में रह करके जो नियम पाठ करें उसका अवश्य फल प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।